की जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप आना संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना, आप आना गिफ्ट भी लाना, जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा दुम, 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 दुम। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दादी हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराते, हम सब बाराती, देखो हम सब बाराते, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराते, हम सब बाराते, भैया हम सब बाराती। इन खूबसूरत फूलों को देखकर हमारी माया मौसी याद आ गई, गरीब प्यारी माया मौसी। लेकिन माया मौसी ने अपनी बेटी से ये कहा है कि वो गरीब नहीं है, वो बहुत अमीर औरत है। अब एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़े और इन सारे झूठों में हम सबको शामिल होना पड़ा, और उसमें लोचे ने इतना बड़ा लोचा मारा कि हम सब की पोल खुल गई और हम सब पकड़े गए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अरे बेवकूफ, पहले पहले से कहीं किसी ने देख लिया। सॉरी 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 सॉरी, पहले फूट जाएगा नहीं मीठी जी, फूट चुका है। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा नाटक, क्यों किया, बोलते क्यों नहीं? मैं बताती हूँ बिंदिया, बिंदिया गुजराती माँ कहूँ तो तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? बिंदिया तुम्हारी माँ है ना, कोई करोड़पति बिजनेस वुमन नहीं, एक फूल बेचने वाली मालन है। क्या, क्यों, क्यों मेरी माँ आज तक मुझसे झूठ बोलती आ रही है? ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले, अच्छी तालीम मिले। लेकिन लेकिन उसे क्या पता था कि तुम एक अमीर जादे से प्यार करने लग जाओगी? झूठ की बुनियाद पे बनी हुई इमारत टिकती नहीं है, और अब है, उसको जब मालूम होगा तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब है अगर तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, तो कुछ नहीं होगा। और उसकी फैमिली, उसकी फैमिली का क्या? अरे तब तक तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम दोनों हनीमून पे चले जाओगे, फिर माया मौसी को भी थोड़ा सा हनी खिला के मून पे भेज देंगे, तुम्हारे सास ससुर थोड़ी मून पे जाके उससे बात करने वाले, बस डोंट यू वरी, आई एम देयर नो। लेकिन ये धोखा, ये सब सही है? बिंदिया अगर एक गाय के बछड़े के पीछे एक कसाई पड़ा हो और वो बछड़ा तुम्हारे घर पे आके छुप जाए, फिर वो कसाई आके तुम्हें पूछे कि वो बछड़ा कहाँ है, तो उस बछड़े को बचाने के लिए तुम क्या कहोगी? हाँ बस बिंदिया, किसी की भलाई करने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े ना, तो वो झूठ नहीं होता। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन वो कसाई तो उस बछड़े के पीछे पड़ा है, तुम क्यों डरती हो? कहाँ जा रही हो बिंदिया? पता नहीं माँ। नहीं, क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? तुम एक मामूली फूल बेचने वाली हो। किसने कहा? बस और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जान गई तुम एक मामूली फूल बेचने वाली हो। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला, क्यों मम्मा, क्यों, क्या जरूरत थी? बिंदिया बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? आपको करोड़पति बनने की क्या जरूरत थी? कल को मेरे ससुराल वाले पूछेंगे कि सिंघानिया तुम्हारी मम्मी का पार्टनर नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? बोलो क्या जवाब दूंगी?
देख बेटा, जो भी होगा ना देखा जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी। बस तू वादा कर मुझसे कि तू अभय को और अपने ससुराल वालों को ये सब कुछ नहीं बताएगी। पर मैं, मेरी कसम है तुझे, मेरी कसम है, मत बताना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो सजी है प्यारी दुल्हन, कल तक थी चुगड़िया, देखो सजी है प्यारी दुल्हन, कल तक थी चुगड़िया, तेरे माथे चम 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 के ये सोनी सी बिंदिया, के हम सब जब मिल जाएंगे सुलझाएंगे, कि हम सब जब मिल जाएंगे तो हर बंधन को निभाएंगे। अपने हो जाएंगे, ये हम सब जब मिल जाएंगे तो हर बंधन को निभाएंगे। देखो सजी है प्यारी दुल्हन, कल तक थी चुगड़िया, तेरे माथे चम 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 के ये सोनी सी बिंदिया, ये हम सब जब मिल जाएंगे तो हर उलझन सुलझाएंगे, ये हम सब जब मिल जाएंगे तो हर बंधन को निभाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। और शादी में जरूर आना, कोई भी बहाना नहीं चाहिए। बाय। अरे बापू जरा संभाल के चलो। अब संभालना हमें नहीं, संभालना आपको है। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ, बड़ी आप इधर तो आइए। साईं देखिए मेरी बात बड़े गौर से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो समझन है ना, वो क्या नाम उसका, माया लक्ष्मी देवी जी, वो कोई करोड़पति औरत नहीं है। अरे साईं वो तो एक फूल बेचने वाली मालन है, मालन। अरे क्या बकते हो तुम, बाय द वे कौन हो तुम? अरे हम कोई भी है, मगर हम आपके सर की कसम खा के आपको कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं साईं। देखिए अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप एक काम कीजिए, आपकी समधन को जाके ये कहिए कि आपके बेटे की शादी में उस सिंघानिया को जरूर बुलाए, फिर अपने आप मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। वाटर न्यू मिशन, जो हुआ अच्छा हुआ। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों की सगाई हो गई। बस मेरी गुड़िया की शादी धूमधाम से हो जाए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ये शादी धूमधाम से जरूर होगी, लेकिन लेकिन क्या था फिर साहब? हाँ मेरी एक छोटी सी डिमांड है। दिख रहा है दहेज चाहिए ना, मिलेगा मिलेगा। अरे भटली वाला साहब, अगर मैं दहेज लूंगा ना तो आप जैसे वकील ही मुझे अंदर करवा देंगे। हाँ फिर झुरुआ भी दूंगा, वो दहेज की रकम है ना मुझको दे देना, मेरी फीस के तौर पे। मुझे दहेज बहेज कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी में आपके पार्टनर सिंघानिया साहब हाजिर हो। क्या है कि मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी ना। वो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, वो बहुत बिजी है ना। सुन लिया आपने, वो नहीं आ सकते, बहुत बिजी है। वो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर सिंघानिया साहब इस शादी में नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। क्या? अभी तो मैं थक गया हूं, अभी तो ऐसा हुआ है कि मैं मेरा खुद का नाम भूल गया। यार ये माया मौसी भी कमाल है, इतना ऊंचा फेंकने की क्या जरूरत है, लक्ष्मीपति सिंघानिया को जानती है, अब कहां से लाएंगे? और भैया फिक्र क्यों करते हैं, आप उनको 10,000 रुपए देके किराए पे क्यों नहीं बुला लेते? पिताजी इसे रोको वरना मेरे हाथों इसका खून हो जाएगा। लोचा मत मार, मेहरबानी कर लोचा मत मार, तुझे मालूम है ये सिंघानिया कौन है? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, 10,000 करोड़ का मालिक है, उसे क्या बोलेंगे कि प्लीज मिस्टर सिंघानिया सिर्फ एक दिन के लिए आप हमारी माया नाम की मालन के बिजनेस पार्टनर बन जाओ, हमें तुमको 10,000 रुपया दे देंगे। अरे गर्म हो जाएगा, काट देगा तुमको और दफना देगा उनके गार्डन के अंदर, और उसकी मालन
हर रोज तुम्हारी कमर पर एक गुलाब चढ़ाएगी। अब आप मुझ पे क्यों चलाते हैं? मेरी शादी हुई नहीं उसकी आप लोगों को फिक्र बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सिर्फ उनकी शादी की फिक्र है। नथु भैया बिल्कुल सही कहते थे, इसमें सिर्फ झमेले ही झमेले हैं। किसी भी तरह ये सिंघानिया को शादी में लाना ही पड़ेगा। कैसे लाओगे, उसे ढूंढना भी मुश्किल है। आधा टाइम तो वो समंदर में रहता है। समुद्र के बीच इतना बड़ा आदमी मछली पकड़ता है? मछली नहीं पकड़ता है, उसका बहुत बड़ा जहाज है समंदर के बीच, 5-स्टार होटल जैसा, इसमें 1000 आदमी लोग को पार्टी देता है। पार्टी से याद आया, कल तो वो कमिश्नर सरफोड़े की बेटी की शादी की पार्टी में जाने वाला है। ये तुमको किसने कहा? उसकी शादी में वीडियोग्राफी मैं कर रहा हूँ, मैंने उसका नाम शादी के मेहमानों की लिस्ट में देखा था। बस तो मैं जाऊंगा वहां। मैं चंदू, गलत है, तुम नहीं जाओगे। क्या है कि कमिश्नर हमारी झूठी कहानी सुनेगा तो हमें अरेस्ट करेगा। हाँ, आपको उल्टा लटका के मारेंगे, पुलिस स्टेशन की छत भी गिर जाएगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिंघानिया के पास जाऊंगा और अपना दामन फैलाऊंगा। भैया चोली दामन में कितने फनी लगेंगे ना आप। मैं चाहे कैसा भी दिखूं, लेकिन एक बात याद रखना, एक गरीब माँ की बेटी की शादी करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करूंगा। हाय सिंघानिया। जी? अरे जीजी क्या कर रहा है? अरे सिंगू मिंगू बिंगू टिंगू, मुझे नहीं पहचाना? मैं मेजर चंद्रकांत। अरे यार स्कूल में साथ में पढ़ रहे थे, क्यों ऐसे देख रहा? मैं चंदू। अरे क्या 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 कर रहा है यार, हम लोगों ने साथ में गिल्ली डंडा खेला था, भूल गया तू? अरे जिस तरह से इसने डंडा पकड़ा था ना, मैंने उसी दिन कह दिया था भैया ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, और बन गया यार। मैंने मेरी लाइफ में गिल्ली डंडा नहीं खेला। अच्छा अब खेलेगा ना दोस्त, तू अब खेलेगा, अपने गोल्फ कोर्स में खेलेगा। अब यार इस तरह क्या देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ कर? यही क्या आप चाहते क्या हो मुझसे? एक बहुत ही छोटा सा काम है, जरा हटना पीछे। एक बहुत छोटा सा काम है यार, मेरी भतीजी की शादी होने जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तू आ जा 5 मिनट के लिए अभी इसी वक्त। ये ले कार्ड, दिस इज द कार्ड। अरे ऐसे कैसे मैं अरे गहरे नथु खैरे की शादी में आ जाऊँ? लो अरे गहरे नथु खैरे, नथु नथु की शादी में क्या डांस किया था तूने, तुझे याद है? अरे तेरी पैंट फट गई थी। अब बड़ा आदमी बन गया तो यार भूल गया सब। चल 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 यार 5 मिनट के लिए चलना यार। देखो देखो भाई साहब, अभी आप गले पड़ रहे हो। मैं गले से खसम खाकर कह रहा हूँ, मेरी मौसी है, मौसी माया मौसी, उसने ना गलती से अपने समधी को ये बता दिया कि वो तुझे जानती है। और वो समधी अड़ियल टट्टू अब ये जिद लेकर बैठा है कि जब तक लक्ष्मीपति सिंघानिया द ग्रेट हमारी शादी में नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए 5 मिनट के लिए चलिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स प्लीज। देखिए आप मुझसे प्लीज, आप मुझसे ये। अरे सिंघानिया साहब आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए प्लीज चलिए ना साहब, उधर चलिए ना। कौन है ये, क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम तो वो चंदू हलवाई हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो वो भी वो मेजर के कपड़ों में? मैं मेजर बनाऊं क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम है और इनकी माइनर हेल्प चाहिए। सिंघानिया साहब मैं आपका मेजर टाइम नहीं लूंगा, प्लीज चलिए ना प्लीज सर। न जान न पहचान, ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ कोई शादी में चला जाऊं? देखिए मिस्टर चंदू, आप मेरे गेस्ट को इरिटेट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इनको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। सिंघानिया साहब भगवान ने आपको पैसे वाला आदमी बनाया, लेकिन बड़ा आदमी बनने का ये पहला मौका मिला है आपको, प्लीज इसे मत गवाइए, इसे मत गवाइए प्लीज। शट अप मिस्टर चंदू, सिक्योरिटी इधर आओ। सर प्लीज चलिए, प्लीज सर, प्लीज सर, चलो चलिए सर, चलिए चलिए सर, प्लीज सर चलिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको। अरे यार, अरे गरीब माँ की दुआएं मिलेगी तुझे यार सिंघानिया। शिरकोट हट। क्या हुआ? सिंघानिया मान गया? अरे ऑलमोस्ट मान गया था, आने ही वाला था कि कमिश्नर ये सरफोड़े ने अपना सर फोड़ दिया, I mean उसे आने नहीं दिया। सिंघानिया नहीं आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? आइडिया, जब तक सिंघानिया नहीं मान जाता हम लोग ये शादी पोस्टपोन ही कर देते हैं। शांति रंतरिक्ष शांति। ये लीजिए नारियल लीजिए। एक मिनट पंडित जी, महालक्ष्मी जी आपके पार्टनर सिंघानिया नहीं दिखाई दे रहे हैं।
एक्चुअली वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। पुत्र, अभी अभी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बहुत ट्रैफिक है, इसलिए सिंघानिया साहब साइकिल पे आ रहे हैं। इतने बड़े आदमी और साइकिल पे आ रहे हैं? वो सिंघानिया साहब माया लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे पंडित जी, आप जल्दी विधि शुरू करिए ना। ओम स्वाहा। चलिए आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट पंडित जी, जब तक सिंघानिया नहीं आएंगे ये शादी नहीं होगी। अरे थापर जी, आप अपने बेटे की शादी बिंदिया से कराना चाहते हैं या सिंघानिया जी से? शट अप, आप चुप रहिए। सॉरी महालक्ष्मी जी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या कि मैं अपने कुत्तों को जरा बिस्किट खिला रहा था, उनको बिस्किट चबाने में टाइम लग गया। बिस्किट सोने के थे ना। अरे नथु, तुम आ गए। कौन नथु, कौन है तू? अरे मैं तो सिंघानिया हूँ, सिंघानिया। पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। एक मिनट, आप सिंघानिया है तो फिर साध्वी जी ने आपको नट्ठू क्यों कहा? वो क्या है ना कि 300 साल पहले ये मेरे पति थे। ओए होए 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 होए, 300 साल। ओए होए होए होए। एक मिनट, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। नहीं 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 नहीं, मिस्टर थापर, आज किचन में दाल नहीं बल्कि कढ़ी बनी है। गंदो, गुजराती कढ़ी बना दे आप? यस, गुड, वेरी गुड। देखिए मैं दरअसल गुजराती कड़ी का प्लान डालना चाहता हूँ, बोतल में गुजराती कड़ी पैक कर करके अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे प्लान के लिए गुजराती कड़ी बनाएंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप मिलिट्री के मेजर और आपने कड़ी बनाई? मिस्टर थापर, मैंने आपको बताया नहीं, मिलिट्री के अंदर मैं कमांडर इन किचन था। ऑफ वाओ, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। पंडित जी, जल्दी शादी की विधि शुरू कीजिए, मुझे चांद पे जाना है। लास्ट टाइम फ्लाइट मिस कर गया था, नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गया था। हेलो एवरीबॉडी। हुई, आई एम सिंघानिया। क्या मजाक है, सिंघानिया तो ये है। झूठ, मैं हूँ सिंघानिया। अच्छा, तुम सिंघानिया हो, मतलब करोड़पति तुम हो। क्या तुम्हारे पास अपनी पासबुक है? जी नहीं। इससे साबित हो जाता है कि सिंघानिया असली मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी पासबुक अपने पास रखता हूँ। चाहिए तो चेक कर लीजिए। मेजर साहब, आप ही बताइए इन लोगों को कि मैं ही सिंघानिया हूँ। आप ही ने तो कहा था कि अगर आपकी भतीजी की शादी में मैं नहीं आया तो ये शादी नहीं होगी। दरअसल मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था। असली सिंघानिया ये है। अब आ ही गए हो तो खाना खा के जाइएगा। And this is a Noda. थापर दिखरा, तुमको देखो सिंघानिया मंगता था ने, एक नहीं दो दो है, अभी टेक योर पिक। अरे तुम आम खाओ, गोटला चूसो, पेड़ क्यों गिनता है? वैसे आम नहीं है, अगर आप कहें तो मैं आम पेंट कर सकता हूँ। यहाँ डेफिनेटली कोई गड़बड़ है, मैं आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। अब भाई, come on, get up. चलो। एक मिनट थापर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहे हैं? हम सब ने ये नाटक किया मेरी बेटी की भलाई के लिए। तो ये बात सच है कि तुम एक अमीर औरत नहीं हो, एक मामूली फूल बेचने वाली मालन हो, मालन। और ये सब नकली है, और ये सिंघानिया भी तुम्हारे पार्टनर्स नहीं है। तो क्या हुआ था परसा? बरसों पहले मैं भी अत्तर बेचने वाला एक मामूली सा इंसान था, आज अरबपति बन गया तो क्या हुआ? थापर साहब, इनकी दौलत नहीं, दिल को देखिए, और इनके बैंक बैलेंस को नहीं, इनके प्यार को देखिए। थापर साहब, मान लिया कि हम सब लोग नकली हैं, लेकिन इन दोनों का प्यार तो असली है। इन दोनों को अलग मत करना थापर साहब। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं आज से आपकी बेटी बिंदिया को गोद लेता हूँ। आप मुझे भी गोद ले लीजिए। देखिए, मैं MF रोशन नहीं, लोचा हूँ, लोचा। मैं भी कुवारा हूँ, बेसारा हूँ, मुझे प्लीज गोद ले लीजिए डैडी। अरे यार, इस तरह चालू गाड़ी में कूदने की आदत जो है ना तेरी, किसी दिन हाथ छूट जाएगा तो गाड़ी के नीचे कुचल कर मर जाएगा। लेकिन सजा तो देनी ही पड़ेगी। इनको प्यार की, शादी की उम्र कैद देकर। एक मिनट, एक चीज रह गई है। बोलिए समधन जी। मैंने ये हार अपने हाथों से बनाया है।
मैं ये सिंघानिया जी को देना चाहती हूँ। आज उन्होंने मेरी लाज बचा ली। शर्मिंदा मत कीजिए बहन जी, आज आप मालन नहीं, एक माँ है माँ, और माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में क्या चीज हो सकती है। दीजिए बहन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बाराती परिवार का भी, जिनके बगैर ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। अरे कैसी बात कर रही हैं आप। चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। सिंघाना जी, ये हमारा भारतीय परिवार शादी करवाने में माहिर है। आपको करवानी है लगा शादी? लगे हाथ आपकी भी। माया मौसी। We'll be right back.